सो हेलो गाइज, वेलकम टू री द डिफाइन। सो ये एक न्यू सीरीज़ है जहाँ हम 3D प्रिंटिंग क्या होता है ये जानेंगे, और वो भी हिंदी में। सो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी फ्यूचर के वीडियोज़ मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। थ्री डी प्रिंटिंग एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है जहाँ टॉयज, क्लोथिंग एक्सेसरीज, गन्स, कार्स और इवन ह्यूमन ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट बनाए जा रहे हैं। 3D प्रिंटिंग आज एक ऐसे लेवल पे जा चुका है कि जहाँ उसके पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है और आगे भी बढ़ेंगे। तो क्या होता है 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटिंग एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है जिसमें 3D ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। बट आपको ये क्वेश्चन होगा, बट इसमें और अपने कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स में क्या डिफरेंस है? फ़र्क ये है कि कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग में सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिसमें मटेरियल निकालकर ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जबकि 3D प्रिंटिंग में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग होता है जिसमें मटेरियल को ऐड करके ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत सारे लेयर्स को डिपॉजिट करके ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और हर एक लेयर उसे डिफाइन करता है और प्रॉपर कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जनरली ये लेयर्स पतले हॉरिजॉन्टल स्लाइसेस में होते हैं जो ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन में दिखते हैं। सो अब थोड़ा 3D प्रिंटिंग के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। चार्ल्स हल्स, जो 3D सिस्टम्स के को फाउंडर थे, उन्होंने 3D प्रिंटिंग का डेवलपमेंट चालू किया। ही इन्वेंटेड स्टीरियोलिथोग्राफी, जहाँ डिजिटल डेटा को टेंजिबल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। जिस मशीन पे ये किया जाता है उसे 3D प्रिंटर्स कहा जाता था। 3D प्रिंटर्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टीरियोलिथोग्राफी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग, सिलेक्टिव लेजर सेंटरिंग, सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक बीम मेल्टिंग, लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, बाइंडर जेटिंग और मटेरियल जेटिंग। इनमें से सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है FDM, जो है फ्यूज डिपोजिशन मोल्डिंग। FDM में इंजीनियरिंग ग्रेड थर्मोप्लास्टिक को मेल्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये थर्मोप्लास्टिक्स फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं जो अलग साइजेस और मटेरियल्स में मिलते हैं, जैसे PLA, ABS, PETG, TPU। हर टाइप के फिलामेंट के अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, अलग टेम्परेचर रेंजेस होते हैं, जो हम आगे के वीडियो में देखेंगे। सो अब हम देखेंगे कि 3D प्रिंटिंग के क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है डिजाइनिंग, जिसमें CAD और CAM सॉफ्टवेयर में मॉडल बनाए जाते हैं। ये मॉडल्स कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, जो इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल तक हो सकते हैं। फाइनल मॉडल बनाने के बाद उसे स्लाइसर नाम के सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट किया जाता है, जहां उन्हें स्लाइस किया जाता है। स्लाइसिंग बेसिकली 3D मॉडल्स को ऐसे फाइल टाइप में कन्वर्ट किया जाता है जो 3D प्रिंटिंग समझ सके और जिसका यूज़ करके वो मॉडल्स को प्रिंट कर सके, और इन फाइल टाइप्स को जनरली G-code कहते हैं, जो FDM प्रिंटर्स में यूज़ किए जाते हैं। स्लाइसिंग के बाद एक्चुअल प्रिंट स्टार्ट किया जाता है, और फिर आता है पोस्ट प्रोसेसिंग। ये बेसिकली क्लीनिंग होता है, रिमूविंग सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, स्मूदनिंग, सैंडिंग, पेंटिंग एंड सो ऑन। इससे प्रोडक्ट को फिनिशिंग मिलती है और इसके बाद आपके प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है एंड योर प्रोडक्ट इज रेडी। सो बेसिकली ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था टू व्हाट इज 3D प्रिंटिंग। हम और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें डिटेल्स में 3D प्रिंटिंग के बारे में जानने वाले हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस होंगे सो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हम उसका ज़रूर आंसर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप प्रिंटिंग।